मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण यानी कि MMRDA के कार्य प्रणाली से कई विकासों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में विकास विक्रम अनंत पाटिल ने पत्रकार परिषद लेकर यहां MMRDA के प्रमुख श्रीनिवासन पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा है कि कार्यालय में होने के बावजूद वह उनसे नहीं मिलते हैं क्योंकि वह एक सामान्य नागरिक हैं। MMRDA की मुगलशाही से 27 गांवों में अनाधिकृत निर्माण बढ़े हैं। भवन का निर्माण करने वाले युवा विक्रम पाटिल 11 माह से FIR का इंतजार कर रहे हैं। अगर MMRDA के आयुक्त ने उनसे मिलने का समय नहीं है उन्हें तो वह जल्द से जल्द अपने FSI के बारे में फैसला नहीं देने पर कोर्ट जाएंगे। विक्रम पाटिल ने कहा है कि उनकी इमारत को शिथिलता प्रमाण पत्र देने में जानबूझकर समय लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि MMRDA सिर्फ रास्ते, मेट्रो और अन्य काम करने योग्य ही है, अन्य कामों के लिए उपयुक्त तो नहीं। श्रीनिवासन उनके कमिश्नर है, उनको मिल उनके दफ्तर में मैंने एक प्रस्ताव मांडा है कि रिलैक्सेशन मुझे मिलना चाहिए। आज वो प्रस्ताव को 11 महीने हो गया, अब 11 महीने हो गया, अगर आप अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो आपका ये जो IAS का शिक्षण कुछ मायने नहीं रखता। आज मैं उनको मिलने जाता हूँ, वो दफ्तर में रहकर भी अगर मुझे मिल नहीं रहे इसका मतलब क्या? आज